प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वही राहत देने वाली खबर यह भी है कि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीजों के इलाज में वरदान साबित हो रही है। प्रदेश में अब तक इस थेरेपी से 22 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने के मामले में राजस्थान अब दूसरे पायदान पर आ गया है। SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा है कि अगर राजस्थान को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति पहले ही मिल जाती तो राजस्थान आज पहले स्थान पर होता। प्लाज्मा दिया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी, आज भी हमारे 2 से 3 पेशेंट का प्लाज्मा लग रहा है। हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दूसरे नंबर पे हैं प्लाज्मा थेरेपी में। वो भी हम लोग इसलिए हैं बिकॉज हमें परमिशन 1 महीने बाद मिली। अगर अगले 5-7 दिन में हम देश के प्रथम नंबर पे पहुँच जाए। कितना फिगर होगा? अभी आज तक हमने 22 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दे चुके हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट से पेशेंट पूरे ठीक होके जा रहे हैं। तो जहाँ तक मेडिकल मैनेजमेंट का सवाल है, हम देश के अग्रणी और बेस्ट।